दोस्तों नथिंग ब्रांड की तारीफ करनी होगी कि नथिंग ओएस में अपडेट वो बिल्कुल प्रॉम्प्टली दे रहा है हमेशा। और यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं नथिंग ओएस 1.5 का बीटा वर्जन हम लोगों को मिल चुका है, जिसमें एंड्रॉइड 13 का सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है। और मुझे पूरा यकीन है कि आपको भी ये अपडेट मिल गया होगा अगर आपने अप्लाई किया था ऑनलाइन बीटा अपडेट के लिए। और ये अपडेट का साइज वेरी करेगा दोस्तों मोबाइल टू मोबाइल की कौन से वर्जन पे वो भी रन कर रहा है। मेरे में आप देख सकते हैं 1.17 GB का अपडेट साइज मिला है और इतने सारे फीचर्स आपको इसमें ऐड किए गए हैं जो आपके नथिंग फोन के एक्सपीरियंस को बहुत ही शानदार बना देगा। इसलिए दोस्तों वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा ताकि एक-एक हिडन टिप्स एंड ट्रिक्स फीचर्स जो इस नथिंग ओएस 1.5 में यानी कि एंड्रॉइड 13 में आपको नथिंग मोबाइल में देखने को मिलते हैं और इससे आपको अपने नथिंग फोन को यूज करने का एक्सपीरियंस बहुत ही शानदार हो जाएगा, ये गारंटीड है। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मैजिकल टेक गुरु और मैं आज आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारी इस ब्रांड न्यू वीडियो में, जहां हम आज देखने वाले हैं नथिंग ओएस 1.5 यानी कि एंड्रॉइड 13 के 35 से ज्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स एंड हिडन फीचर्स, जिसको देखकर बस आपको मजा ही आने वाला है। और ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी दोस्तों का, सब्सक्राइबर्स का दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने हमारे MTG फैमिली को 39,000 का फैमिली बना दिया, जो कि बहुत बड़ी बात है दोस्तों मेरे लिए। जब हमने जर्नी की शुरुआत की थी तो हम लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि इतने दूर तक आएंगे, मगर आप लोगों का प्यार है जो हम लोगों को बिल्कुल आगे बढ़ाता जा रहा है। और मुझे पूरा उम्मीद है कि बहुत ही जल्द हम लोग 50,000 सब्सक्राइबर्स के फैमिली का आंकड़ा भी पूरा कर लेंगे। इसलिए दोस्तों बिल्कुल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को दबा दीजिए और अपने दोस्तों को भी बोलिए कि ठोक के सब्सक्राइब करें। तो चलिए फटाफट से समय न बर्बाद करते हुए सेटिंग्स में जाते हैं। सबसे नीचे आएंगे अबाउट फोन में और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सॉफ्टवेयर इन्फो नथिंग ओएस 1.5.1 आपको देखने को मिल जाता है। और इसी में नीचे आएंगे तो आप देख सकते हैं एंड्रॉइड वर्जन आपको 13 देखने को मिल जाता है और सिक्योरिटी अपडेट जो है वो जनवरी का बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट आपको देखने को मिल जाता है। और ऑब्वियसली एंड्रॉइड वर्जन को मल्टीपल क्लिक आपने नहीं किया तो क्या किया दोस्तों, ईस्टर एग का पेज आपको देखने को मिल जाएगा। करना क्या है तो 12 बजाना है ताकि आप एंड्रॉइड 12 में देख सकते हैं, मगर ये तो एंड्रॉइड 13 है तो आपको 13 बजाना होगा यानी एक बजाना होगा। तो फटाफट से एक बजा लेते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। और ये देखिए चमत्कार हो चुका है। और इस चमत्कार को आगे बढ़ाते हुए आपको एक चीज और दिखाते हैं, बस लॉन्ग टैप करके रखना है आपको इस स्टैक के पेज पे और आप देख सकते हैं कि आपको नए नए तरह का इमोजी, नए तरह का वॉलपेपर देखने को मिल जाता है जो बहुत मजा आता है आपको देखने में। और क्या आप जानते हैं कि इतने सारे इमोजी और वॉलपेपर को एंड्रॉइड 13 में गूगल ने क्यों दिया है? अगर आप जानते हैं दोस्तों तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्यों दिया है। चलिए शुरुआत करते हैं पहले टिप्स एंड ट्रिक्स से। और कोई आश्चर्य नहीं है कि ये जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ग्लिफ लाइट में आपको बहुत ही अच्छा अपडेट देखने को मिलता है, क्योंकि नए नए रिंगटोन्स आपको दिए गए हैं। उसके लिए आपको ग्लिफ इंटरफेस में जाना होगा, यहाँ पर नीचे रिंगटोन्स में जाना होगा, डिफॉल्ट रिंगटोन में जाना होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साउंड लाइब्रेरी में पहले आपको नथिंग मशीन 1 में 10 रिंगटोन देखने को मिलते थे, मगर अब आप देख सकते हैं कि एक नया लाइब्रेरी नथिंग मशीन 2 करके आ गया, जिसमें 11 नया रिंगटोन आपको दिया गया है और इस तरह का ये रिंगटोन का आवाज होता है। और ऑब्वियसली इसको एक बाय एक करके आप स्क्रॉल कर सकते हैं और उस आवाज को सुन सकते हैं कि ये कैसा आवाज है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट के लिए। तो सेटिंग्स में जाएंगे, थोड़ा नीचे आएंगे तो कस्टमाइजेशन में जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं वॉलपेपर एंड स्टाइल आपको देखने को मिल जाता है। और ऑब्वियसली आपने तो ये गौर कर ही लिया हो कि मैंने नया तरह का वॉलपेपर यूज किया है, तो आखिर ये वॉलपेपर आया कहां से? तो आप चेंज वॉलपेपर में जाएंगे, नथिंग में जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं शुरुआत में बिल्कुल 4 वॉलपेपर ही आपको देखने को मिलता था, मगर अब आप देख सकते हैं टोटल 13 वॉलपेपर आपको देखने को मिलता है, जिसमें नए नए वॉलपेपर को यूज किया गया है। आप चाहे तो इसको होम स्क्रीन, लॉक स्क्रीन या दोनों में लगा सकते हैं और इस तरह से आप वॉलपेपर के प्रीव्यू को भी देखकर समझ सकते हैं। अब इसमें अगर हम लोग बैक जाएंगे तो कलर पैलेट आपको देखने को मिल जाता है। वॉलपेपर कलर्स में आप देख सकते हैं इतने सारे कलर हैं और बेसिक कलर में आप देख सकते हैं इतने सारे कलर हैं जिसको आप चेंज कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए वॉलपेपर कलर में आप कोई भी कलर चूज करना चाहें यहां से चूज कर सकते हैं और इसका प्रीव्यू आप यहां पे देख सकते हैं कि ये किस तरह का प्रीव्यू होगा। आप ऐसा करेंगे तो ऐसा कलर होगा, बेसिक कलर यूज करेंगे तो ऐसा कलर होगा। मगर ऑब्वियसली मैं जानता हूं कि आप यही सोच रहे होंगे कि मटेरियल यू कहां आपको देखने को मिलता है। तो अगर आप बैक जाएंगे, आइकॉन पैक में जाएंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं थीम्ड आइकॉन का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसमें सारा आइकॉन बिल्कुल एक तरह के एक ही कलर में देखने को मिलेगा, जिस तरह से अभी आप ऊपर में प्रीव्यू में देख सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके मोबाइल में सिंगल कलर में सारा आइकॉन एक जैसा दिखे तो आप थीम्ड आइकॉन का यूज कर सकते हैं, वरना डिफॉल्ट यूज करेंगे तो इसमें आपका जो कलर है वो बिल्कुल बाय डिफॉल्ट रहेगा। और ऑब्वियसली कलर पैलेट जो भी आपने वॉलपेपर स्टाइल में, वॉलपेपर कलर या बेसिक कलर में चूज किया है वो आपको देखने को मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हिडन फीचर की तरफ। हम लोग सेटिंग्स में जाएंगे, थोड़ा नीचे आएंगे तो आपको डिस्प्ले का ऑप्शन देखने को मिलता है, इसमें लॉक स्क्रीन में जाएंगे और इसमें लॉक स्क्रीन शॉर्टकट का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसमें बटन लेफ्ट में कौन सा बटन होगा यहाँ पर
आप देख सकते हैं बटन राइट में कौन सा बटन होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इनफैक्ट आप चाहे तो इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। बटन लेफ्ट में अगर आप टॉर्च चाहे तो टॉर्च कर सकते हैं, बैक जाएंगे तो देखिए यहाँ टॉर्च आ जाता है। बटन राइट में अगर आप कैमरा करना चाहते हैं तो कैमरा कर सकते हैं, बैक जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ कैमरा आ जाता है। और इन दोनों लेफ्ट राइट में से कोई भी बटन अगर डिवाइस कंट्रोल का होगा तो आपको एक नया ऑप्शन देखने को मिल जाता है, कंट्रोल फ्रॉम लॉक डिवाइस। ऑब्वियसली चूंकि आपका डिवाइस कंट्रोल एक ऑप्शन है तो ये कंट्रोल लॉक डिवाइस से भी आप कर सकते हैं यहाँ से इनेबल करके। तो बिल्कुल भी बताने की जरूरत नहीं कि जैसे ही आप स्क्रीन को लॉक करेंगे और सिंगल टैप करेंगे लॉक स्क्रीन के लिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टॉर्च का ऑप्शन और यहाँ पर डिवाइस कंट्रोल का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। डिवाइस कंट्रोल अभी इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि उसमें कॉन्फ़िगरेशन नहीं हुआ है। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो आप एप्स में जाएंगे तो आप देखेंगे आपको एक नया ऐप नथिंग एक्स करके देखने को मिलता है। ये क्या करता है तो सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि एंड्रॉइड 13 का एक और फीचर है कि ये आपको नोटिफिकेशन के लिए परमिशन मांगता है। बहुत ही अवेटेड फीचर था ये दोस्तों, काफी दिनों से सारे यूजर ये चाहते थे कि नोटिफिकेशन के झंझट से मुक्ति मिले, तो वो गूगल ने कर दिया है अपने एंड्रॉइड 13 में। अब आप जैसे ही एंड्रॉइड 13 में सबसे पहले ऐप इंस्टॉल करेंगे तो जितने भी परमिशन है उसमें नोटिफिकेशन का भी परमिशन आपको अलग से देना होगा। अगर आप अलाउ करेंगे तो नोटिफिकेशन को आप अंदर जाके हैंडल कर सकते हैं उस पर्टिकुलर ऐप के लिए, मगर आप चाहते हैं कि उस ऐप से नोटिफिकेशन आए नहीं तो सीधा डोंट अलाउ कर दीजिए। तो अब आपको नोटिफिकेशन का झंझट से मुक्ति ही मिल जाएगा। और ये नथिंग एक्स ऐप करता क्या है दोस्तों, तो आप जानते हैं कि नथिंग के ईयरबड्स आते हैं तो उसको कंट्रोल करने के लिए नथिंग ने एक नया सेपरेट ऐप बना दिया है जो साउंड क्वालिटी के हिसाब से बहुत ही बढ़िया काम करता है। अगर आपके पास नथिंग के ईयरबड्स हैं तो इसको फटाक से उससे कनेक्ट कर लीजिए ब्लूटूथ के थ्रू और बहुत ही मजेदार छनछन के आवाज का आनंद उठाइए। अब चलिए बढ़ते हैं एक और बहुत ही अवेटेड फीचर की ओर। आप यहाँ पर सबसे नीचे आएंगे तो सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि सबसे नीचे आपको पावर मेनू का बटन दे दिया गया है। ये बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है दोस्तों क्योंकि स्क्रीन काफी बड़ा है, ऊपर से आप कहाँ ये सब करते तो नीचे ही है, फटाक से आप दबाकर पावर मेनू को ऑन ऑफ कर सकते हैं, रीस्टार्ट कर सकते हैं। और उसके बाद आपको सेटिंग्स दिया जाता है और उसके बाद आपको ऐड यूजर दिया जाता है जो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि प्राइमरी अकाउंट यहाँ पर आपको देखने को मिलता है जिससे अभी आप लॉग्ड इन है, उसके बाद आप एक गेस्ट यूजर को ऐड कर सकते हैं या फिर एक नए यूजर को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको यूजर मैनेजमेंट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और इसके सेटिंग्स में जाना है तो यहाँ चल जाइए और मल्टीपल यूजर्स का जितना भी कस्टमाइजेशन आपको करना है यहाँ पर आप कर सकते हैं। और अगर आप लॉक स्क्रीन से भी यूजर्स को ऐड करना चाहते हैं तो बस इस ऑप्शन को इनेबल कर दीजिए। और ये एंड्रॉइड 13 का नेक्स्ट फीचर तो और भी कमाल का है दोस्तों, आपको बस मजा ही आ जाएगा। सेटिंग्स में जाएंगे, सबसे नीचे सिस्टम में जाएंगे और इसमें लैंग्वेज एंड इनपुट में जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपके मोबाइल का लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, मगर अब आप अपने मोबाइल में हर पर्टिकुलर ऐप के लिए लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आपका मोबाइल का लैंग्वेज कुछ भी हो लेकिन उस ऐप को उस लैंग्वेज में काम करना होगा। जैसे एक ऐप को आप हिंदी में कर सकते हैं, एक ऐप को मराठी में कर सकते हैं, दूसरे ऐप को कन्नड़ में कर सकते हैं, तीसरे ऐप को तमिल में कर सकते हैं, यानी कि कोई भी लैंग्वेज में, इनफैक्ट फॉरेन लैंग्वेज को भी आप यूज कर सकते हैं। इसके लिए आपको ऐप लैंग्वेज में जाना होगा और किसी भी ऐप को सिलेक्ट कर लेना होगा, जैसे मैं क्रोम को सिलेक्ट कर लेता हूं। यहां पर आप देख सकते हैं आपको कितने सारे लैंग्वेज का सपोर्ट देखने को मिल जाता है जिसमें आपको ऑब्वियसली लोकल लैंग्वेज भी है और नीचे देखेंगे तो बहुत सारा फॉरेन लैंग्वेज भी है। तो कोई भी लैंग्वेज में आप इस ऐप को यूज कर सकते हैं, इस ऐप के लैंग्वेज को सेट कर सकते हैं। तो एग्जांपल के लिए क्रोम को हम लोग हिंदी में सेट कर देते हैं, बैक जाते हैं और किसी और ऐप को किसी दूसरे लैंग्वेज में सेट कर सकते हैं। जैसे क्लॉक है इसको हम लोग नीचे आते हैं और कोई भी एक लैंग्वेज में, जैसे बांग्ला है बांग्ला में सेट कर देते हैं। और अब चलिए क्रोम और क्लॉक दोनों को देख लेते हैं कि क्या ऐप लैंग्वेज चेंज हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं मोबाइल का लैंग्वेज अभी भी आपको इंग्लिश देखने को मिल रहा है, मगर क्लॉक अभी आप देख सकते हैं कि ये बांग्ला में चेंज हो चुका है। आप देख सकते हैं ऊपर का जो टेक्स्ट है वो बांग्ला में आ रहा है, यानी क्लॉक में तो काम कर रहा है। चलिए क्लॉक ऐप में ही पहले चल के देखते हैं। तो हाँ देखिए ये बांग्ला में बिल्कुल काम कर रहा है, आप देख सकते हैं। इनफैक्ट मेनू में भी जाएंगे तो आप देखेंगे सारा बांग्ला में भी आपको देखने को मिलेगा। और चलिए अब क्रोम ऐप में देख लेते हैं कि क्या ये हिंदी में अपने टेक्स्ट को दे रहा है, और आप देख सकते हैं हिंदी में टेक्स्ट आ रहा है। मेरा मेनू में जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ मेनू भी हिंदी में आ रहा है। तो इस तरह से आपने देखा कि मोबाइल का लैंग्वेज भले ही इंग्लिश हो मगर क्लॉक को आप डिफरेंट लैंग्वेज में सेट कर सकते हैं, क्रोम को आप डिफरेंट लैंग्वेज में सेट कर सकते हैं और इस तरह से बहुत सारा ऐप है जिसको आप डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में सेट कर सकते हैं। और आइए दोस्तों अब आपको बहुत ही मजेदार हिडन ट्रिक के बारे में बताते हैं। अगर आप रीसेंट्स में जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। जो करता क्या है तो रीसेंट्स में जो भी ऐप प्रीव्यू में भी आप देख रहे हैं उसका ये स्क्रीनशॉट ले लेगा। तो स्क्रीनशॉट देखिए आप इसका ले लेता है। अब अगर हम लोग किसी दूसरे ऐप में जाते हैं, जैसे इसमें जाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो देखिए इसका स्क्रीनशॉट ये ले लेगा। और जब हम लोग रीसेंट्स में हैं दोस्तों तो रीसेंट्स में ही एक और बहुत ही मजेदार हिडन ट्रिक के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर आप किसी भी ऐप के ऐप आइकॉन में जाएंगे तो आप देख सकते हैं अब आपको स्प्लिट स्क्रीन के साथ साथ पॉपअप व्यू का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है जिसको हम लोग फ्लोटिंग विंडोज भी कहते हैं। पॉपअप व्यू में जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ्लोटिंग विंडो में ये ऐप जो है आपका आ जाता है जिसको आप कहीं भी ऐसे मूव कर सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टैप करके रखेंगे तो आप देखते हैं कि ये थोड़ा सा बड़ा भी हो जाता है, तो रिसाइज करने के लिए आपको लॉन्ग टैप करके रखना है, इसको बड़ा छोटा आप कर सकते हैं। और फिलहाल अगर आपका काम हो गया तो इसको साइड में कहीं भी आप छोड़ सकते हैं, बैकग्राउंड में आप जो चाहे वो कर सकते हैं। और फिर आपको लगता है कि नहीं इस फ्लोटिंग विंडो का आपको जरूरत है तो बस यहाँ पर आप टैप कीजिएगा, देखिए फुल स्क्रीन में आ जाता है। तो इस तरह से अब आपको स्प्लिट स्क्रीन के साथ साथ फ्लोटिंग विंडो यानी पॉपअप व्यू का भी सपोर्ट देखने को एंड्रॉइड 13 में
नथिंग फोन में मिल जाता है। दोस्तों नेक्स्ट जो हिडन ट्रिक है वो और भी कमाल का है। आप जानते हैं कि कैमरा ऐप में नथिंग ने अपने पहले वर्जन से काफी इंप्रूवमेंट किया है। पहले नथिंग का कैमरा उतना बढ़िया नहीं काम करता था, जबकि 50-50 मेगापिक्सल का वाइड लेंस और अल्ट्रा वाइड लेंस आपको देखने को मिल जाता है। और फ्रंट कैमरा भी उतना बढ़िया कस्टमाइज नहीं था कि फोटो अच्छा ले सके, मगर अब आपको एंड्रॉइड 13 में ये बहुत ही इंप्रूवमेंट के साथ मिलता है। चाहे कैमरा ऐप का ओवरऑल यूआई हो या फिर इसका एनिमेशन हो, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। और फोटो तो अब ये शानदार लेता है, इतना शानदार कि एंड्रॉइड 13 की वीडियो में इसको कैप्चर नहीं किया जा सकता है। तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा दोस्तों कि एंड्रॉइड 13 में आपका नथिंग फोन का जो कैमरा है कितना बढ़िया काम करता है, उसके वेरियस टिप्स एंड ट्रिक्स हिडन फीचर्स आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। इसलिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को दबा दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी आए आपको सबसे पहले पता चल सके। अब ऑब्वियसली आपका अगला सवाल यही होने वाला है कि एंड्रॉइड 13 में जैसे ही आपका फोन कन्वर्ट होता है तो क्या बैटरी लाइफ पे कोई असर पड़ता है? तो बिलीव कीजिए दोस्तों कि मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार बैटरी लाइफ बढ़ाई है। आप देख सकते हैं 65% ऑफ बैटरी है और मोर देन 2 डेज लेफ्ट ये बता रहा है। हालांकि ये बहुत जल्दबाजी होगा कहना कि बैटरी लाइफ बिल्कुल ड्रास्टिकली बढ़ गया है या घट गया है। इसके लिए कम से कम 1 सप्ताह का समय तो चाहिए ही ऑब्जर्व करने के लिए कि बैटरी लाइफ एग्जैक्टली कितना बढ़िया या कितना खराब काम करता है। मगर क्विक रिव्यू यही है दोस्तों कि बैटरी लाइफ मेरे अनुसार अच्छा हुआ है। 7-10 दिन का रिव्यू देखेंगे, उसके बाद एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको बताएंगे कि बैटरी लाइफ इसका कैसा है और कैसे आप इसको एनहांस कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। और अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हिडन फीचर की तरफ। तो वॉल्यूम कंट्रोल में भी आपको काफी अच्छा ऑप्शन देखने को मिला है। वॉल्यूम अप या वॉल्यूम डाउन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपको नए कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं और यहीं से अब सारा कंट्रोल आप कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ये बहुत ही बढ़िया आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो ऑब्वियसली अदर मोबाइल्स में तो है मगर नथिंग फोन में ये इंप्रूवमेंट एंड्रॉइड 13 में करके दिया गया है। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हिडन फीचर की तरफ। तो इसके लिए आपको ऐप स्क्रीन में जाना होगा। सबसे नीचे आपको वेदर ऐप देखने को मिल जाता है, जो बहुत ही बढ़िया से रीडिजाइन किया गया। आप इसका लुक एंड फील देख सकते हैं, यूआई कितना बढ़िया बनाया गया है, जिसमें जो सबसे पहला आपको नजर जाएगा वो इसके टेम्परेचर पे जाएगा। बिल्कुल बड़ा बड़ा इसको दिखाया गया है। साथ में आपको यूवी इंडेक्स दिखाया जाता है, टेम्परेचर आज का डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे कितना होगा, डिफरेंट डिफरेंट डे पे कितना होगा। और नीचे आएंगे तो आप देख सकते हैं बड़े बड़े में आपको यूवी इंडेक्स दिखाया गया, ह्यूमिडिटी दिखाया गया, विंड स्पीड दिखाया गया, सनसेट दिखाया गया। हालांकि ये और भी इंप्रूव होता अगर इसमें AQI दिखाया जाता, एयर क्वालिटी इंडेक्स। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हिडन फीचर की तरफ। तो जो आप ऊपर से नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे आपको क्विक टॉगल देखने को मिल जाता है, जिसमें ब्लूटूथ का ऑप्शन है। इस पे अगर आप टैप करेंगे तो आप देखेंगे ब्लूटूथ का आपको पॉपअप व्यू देखने को मिल जाता है, यानी कि ब्लूटूथ से अगर आप कोई भी डिवाइस कनेक्ट करना चाहते हैं या कनेक्ट कर चुके हैं तो आपको पॉपअप व्यू में ही ये दिखा देगा कि कौन कौन सा डिवाइस कनेक्टेड है और अगर कनेक्ट करना है तो कौन कौन सा डिवाइस अवेलेबल है, जो आपको एंड्रॉइड 12 में देखने को नहीं मिलता था। और एंड्रॉइड 13 में एक बहुत ही बढ़िया आपको नोटिसेबल चेंज देखने को मिल जाता है कि कोई भी ऐप आप ओपन करते हैं तो ऐप ओपनिंग का स्पीड जो है वो काफी बढ़ा हुआ है अपने प्रीवियस वर्जन यानी एंड्रॉइड 12 नथिंग OS से। अब आप किसी भी ऐप को खोलने की कोशिश करेंगे तो फटाक से ये खुलेगा। आप देख सकते हैं कितना जल्दी ये खुल जाता है, ऐप ओपनिंग स्पीड कितना बढ़िया है, जो पहले एंड्रॉइड 12 में इतना बढ़िया आपको एक्सपीरियंस देखने को नहीं मिलता था ऐप ओपनिंग के लिए। अब चलिए दोस्तों बढ़ते हैं एक बहुत ही स्ट्राइकिंग हिडन फीचर की तरफ, जिसको आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल होश ही उड़ जाएगा। अगर आप अपने नथिंग मोबाइल फोन में ऊपर से नीचे एक बार स्वाइप करते हैं तो आप देख सकते हैं आपको टॉगल देखने को मिल जाता है और यहाँ पर नोटिफिकेशन देखने को मिल जाता है। एक बार आप और करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको एक नया ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसको एक्टिव एप्स कहा जाता है। और क्लियरली यहाँ पर लिखा हुआ है 2 apps आर एक्टिव। इसका सीधा मतलब है कि 2 app है जो रन कर रहा है बैकग्राउंड में, जो आपका बैटरी भी खा रहा है और आपका रिसोर्सेज भी यूज कर रहा है। उसको अगर आप देखना हो तो क्या करेंगे, तो बस यहाँ पर आप जाएंगे और एक्टिव एप्स आपको देखने को मिल जाता है, जिसमें एक रिकॉर्डर है, दूसरा स्पॉटिफाई है। अब चूंकि ये बैकग्राउंड में रन कर रहा है इसलिए आपको पता ही नहीं चल रहा है दोस्तों, तो बैटरी भी खाता रहेगा, रिसोर्स भी यूज करता रहेगा। तो अब आप डायरेक्टली यहाँ से स्टॉप कर सकते हैं ताकि आपका वो बैटरी ना खाए ना ही आपका रिसोर्स को यूज करे। इनफैक्ट आप चाहे तो दूसरे को भी स्टॉप कर सकते हैं। तो इस तरह से अब आपको एक्टिव एप्स का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है एंड्रॉइड 13 में, ताकि आप इसको डायरेक्टली किल कर सकें, आपको कहीं भी इधर उधर जाने की जरूरत न पड़े और अपने बैटरी को बचाएं, अपने फोन के ओवरऑल रिसोर्सेज को बचाएं। और अगेन एंड्रॉइड 13 में एक आपको और कमाल का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अगर आप मल्टीपल म्यूजिक ऐप रन कर रहे होते हैं तो आप एक ऐप से दूसरे ऐप में बहुत आसानी से ऐसे स्वाइप करके स्विच कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पॉटिफाई प्ले हो रहा है और लेफ्ट में आप देख सकते हैं अमेजन म्यूजिक प्ले हो रहा है। तो इस तरह से आप लेफ्ट और राइट स्वाइप करके एक म्यूजिक ऐप से दूसरे म्यूजिक ऐप में नेविगेट कर सकते हैं और जो भी गाना बजाना चाहे यहाँ से बजा सकते हैं या फिर पॉज करना चाहे यहाँ से पॉज कर सकते हैं। अब दोस्तों चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हिडन फीचर की तरफ। तो आपको सेटिंग्स में जाना है। यहाँ पर आप थोड़ा नीचे आएंगे तो आप देखेंगे आपको एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसमें भी थोड़ा नीचे आएंगे तो आप देखेंगे आपको लाइव कैप्शन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो पहले आपको एंड्रॉइड 12 में देखने को नहीं मिलता था। ये करता क्या है दोस्तों, तो ये आपको लाइव कैप्शन देता है इंग्लिश में, क्योंकि और भी लैंग्वेज ये फर्दर सपोर्ट करेगा। अभी सिर्फ ये इंग्लिश को ही सपोर्ट करता है, बस आपको यहाँ से इनेबल कर देना है और कैप्शन तभी अपीयर होगा जब ये स्पीच को डिटेक्ट करेगा। तो स्पीच कैसे डिटेक्ट करेगा दोस्तों, तो चलिए कोई एक यूट्यूब में वीडियो प्ले कर लेते हैं और यहाँ पर किसी भी वीडियो को प्ले कर लेते हैं और देखते हैं कि लाइव कैप्शन आपको देखने को मिलता है नहीं मिलता है। तो देखिए जैसे ही वीडियो प्ले होना शुरू हो जाता है तो आपको यहाँ पर लाइव कैप्शन मिलना शुरू हो जाता है। आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली इंग्लिश में टेक्स्ट जनरेट शुरू होने लगता है, जो कि इस
वीडियो में जो भी बोला जा रहा है उसका ऑटोमेटिकली ये इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लाइव कैप्शन दिखाता है। हालांकि ये लाइव कैप्शन का ऑप्शन जो है ये मोबाइल्स में आपको बहुत पहले से मिल रहा है, मगर नथिंग मोबाइल ने अपने एंड्रॉइड 13 अपडेट के साथ ही लाइव कैप्शन का ऑप्शन आपको इस मोबाइल में दिया है। अब दोस्तों नथिंग फोन ने एंड्रॉइड 13 में कुछ बग्स को भी फिक्स किया है, जिसमें आप जानते हैं कि अगर आप डिस्प्ले में एडेप्टिव ब्राइटनेस को यूज करते तो आप देखते थे कि कभी कभी ये ब्राइटनेस जो है वो सही तरीका से काम नहीं करता है, कभी बिल्कुल ब्राइटनेस कम हो जाता था, कभी बढ़ जाता था, तो उतना बढ़िया नहीं काम करता था। तो इस एंड्रॉइड 13 के अपडेट में एडेप्टिव ब्राइटनेस के एल्गोरिथम को बहुत ही बेहतर बनाया गया है, ताकि इंडोर और आउटडोर अगर दोनों जगह आप एडेप्टिव ब्राइटनेस यूज करते हैं तो फोन उसको डिटेक्ट करे और बढ़िया से उसका यूटिलाइजेशन हो। तो दोस्तों मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको एंड्रॉइड 13 पे बेस्ड हमारा ये वीडियो नथिंग फोन में, जिसमें हमने 35 से ज्यादा हिडन टिप्स एंड ट्रिक्स और वेरियस फीचर्स को बताया है, आपको उसको यूज करने में बहुत ही मजा आएगा और आपके लिए बिल्कुल हेल्पफुल भी होगा। अगर आपको भी लगता है कि हाँ ये आपके लिए फायदेमंद था तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने तमाम दोस्तों के साथ। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं दोस्तों और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को दबा दीजिए, क्योंकि ये पुण्य का काम है, करते रहना चाहिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही था दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ, एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अपना हमेशा की तरह बहुत बहुत ख्याल रखिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।